क्रेटा जेएच की यहाँ पे हिमाचल में देख के काफी खुशी होती है, मतलब अपने शहर के लोग मिलते हैं ना से। और आप जो ये लेफ्ट पे देख रहे हो ना, ये सारी एप्पल की फार्मिंग है गाइस, और एकदम रेड रेड एप्पल मुझे दिख रहे हैं, मतलब गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे और अब हम तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए हमारे सफर में। तो आज हमारा प्लान है भारत के आखिरी विलेज बोले तो चितकुल जाने का। आप सबसे हमने पूछा था पिछले वीडियो में कि कौन सा इंडिया का लास्ट विलेज, आई होप आप लोगों ने सही गेस किया होगा। तो आज हम जाएंगे चितकुल। अभी बज रहे हैं दिन के 12, गूगल भैया के हिसाब से 7 से 8 घंटे लगेंगे अप्रोक्स, हमारे हिसाब से कम से कम 10 घंटे तो लगने चाहिए। स्टिल बारिश हो रही है तो और ज्यादा लगने का चांसेस है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा शाम होती है तो हम लोग कहीं पे रुकेंगे, बट स्टिल लेट सी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग पहुंच पाए। लेट सी क्या हो पाता है नहीं हो पाता है। बाकी पीछे देखिए ये सारे पेंगुइन रेडी हो गए हैं नाचते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा खुश है। तो ऐसा है कि कल रात से जो यहाँ बारिश हो रही है, तो जो खुशी की बात यह है कि अगर यहाँ बारिश हो रही है तो ऊपर हुआ होगा स्नोफॉल। सावन के पावन महीने की आप सभी को बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं फटाफट हमारे तरफ से भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। करते हैं एक और नए वीडियो की शुरुआत। मैं हूँ अंकित, आप देख रहे हैं सो ये ड्रोन शॉट के बाद हम आ चुके हैं आपके पास, क्योंकि ऐसा हुआ कि ड्रोन हो गया था क्रैश। तो जैसा कि आपको सुबह बताया हमने कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है चितकुल द लास्ट विलेज, लेकिन निकले ही हम लोग इतना लेट है कि पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं। और होप्स आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। एक्चुअली हुआ कि अंकित बोला कि ड्रोन नीचे जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, और हम उसको देखे तो सच में वो जाया जा रहा था, लेकिन किस्मत उस ड्रोन की अच्छी कि वो वैली से दूर था, वो मंदिर के जस्ट बगल में आके गिरा, जो हमारी अगर इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है तो उनको पता होगा बिहाइंड द सीन्स वहाँ आते रहते हैं हर कुछ। तो जो अभी थोड़े देर पहले हमने ड्रोन शॉट के नज़ारे देखे ना, वो नज़ारे मैंने सिक्किम में देखे थे, और उससे पहले मैंने वैसे नज़ारे कभी नहीं देखे थे। दूसरी बार है जब हम ये व्यू देख रहे। ओहो, ये लेफ्ट का व्यू देखो गाइस, मैं रुक के दिखाता हूँ, रुक जाओ, आई कांट मेक शिट ब्रो, ये देख रहे हो, अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। पता नहीं आज हम लोग चितकुल कैसे पहुंचेंगे। लुक एट दैट, सो मेसमराइजिंग यार, फंसे हुए पहाड़ों के बीच में बादल। चलो चलो चलो, वो आपने वो मूवी देखी है पुरानी राज मूवी, तो उसमें वो जंगल वाले सीन में आपको याद है ऐसे ही होते रहता था, ऐसे ही फॉग बादल ऐसे आते रहते थे, मेरे को उस टाइम का याद आया। और यहाँ से करसोग जाना है तो 98 किलोमीटर लेफ्ट नाल देहरा, लेफ्ट 15 किलोमीटर खुफरी, 7 किलोमीटर नारकंडा 54, और रामपुर 120। आज तो हमें लग रहा है कि रामपुर तक ही पहुंचेंगे। ये जो क्रेटा आप देख रहे हैं ये जीएच की गाड़ी है, झारखंड की, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, कब निकले आप लोग सौरभ? थर्सडे को देखने बड़ा खुशी। अरे हमें भी बहुत अच्छा लगा, मतलब अरे क्रेटा जीएच की यहाँ पे हिमाचल में देख के काफी खुशी होती है, मतलब अपने शहर के लोग मिलते हैं ना से। ठीक है हम लोग चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिला, बहुत अच्छा, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी आप लोगों को भी, काफी अच्छा लगा मिलकर भैया। समझ में आया कि अगर आप मनाली वाले रूट पे जा रहे हो नज़ारे देखने सिर्फ, तो मुझे लगता है कि आपको शिमला वाले रूट पे आना चाहिए। मुझे लगता है अंकित को बहुत ज्यादा लगता है, तो आपको शिमला वाले रूट पे आना चाहिए। और अगर आप शिमला वाले रूट पे आओगे ना तो आपको नज़ारे काफी अच्छा मिलेंगे। और अगर आप शिमला ही सिर्फ आ रहे हो तो आप आसपास की जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे एक जगह हो गई फागू वैली है, फिर खुफरी आ सकते हो, और नाल देहरा भी जा सकते हो पास में कैब करके, सो इजी है। और शिमला बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है न्यू शिमला, एक है ओल्ड शिमला। और अगर वही घूमना है तो मॉल रोड है शिमला में, जैसे दार्जिलिंग में, सिक्किम में, गैंगटॉक में, क्या नजारे भाई। तो अभी अभी निकले थे हम करीब 30-40 किलोमीटर अभी अभी हम लोग ट्रैवल किए होंगे शिमला से, पहुंच गए हैं खाना खाने वैष्णो ढाबा करके एक है यहाँ पे, काफी देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने को काम भी है, एक चेन ल्यूब वगैरह करना है, क्योंकि इसके बाद सीधा जबरदस्त चढ़ाएंगे।
मस्त बढ़िया खाना वाना खा के निकले तो इतने प्यारे प्यारे नजारे हमें वापस से दिखने शुरू हो गए। और आप जो ये लेफ्ट पे देख रहे हो ना, ये सारी एप्पल की फार्मिंग है गाइस, और एकदम रेड रेड एप्पल मुझे दिख रहे हैं, मतलब नॉट पूरे रेड बट सेमी रेड है, आधा रेड है और आधा ग्रीन है। हाँ तो हमारे जीवन में कांड की कमी नहीं है। अभी हुआ कुछ ऐसा कि बढ़िया रोड था, अंकित ने सोचा एक प्यारा ड्रोन शॉट ले लेते बाइक चलते हुए, तो हम लोग रेडी हुए। अंकित बोला तब तक ऊपर का एक ड्रोन शॉट ले लेते हैं। हम बोले ठीक है ये भी कर लो। जब तक हम लोग रेडी हो रहे थे तब तक ड्रोन हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, शायद थोड़ा सा वापस से पता नहीं क्यों ड्रोन पूरा पीछे आके वापस से ठुक गया, प्रोपेलर्स थोड़े से क्रैक कर गए। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं आज वाले व्लॉग में। मेरे को नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा ड्रोन शॉट देखने को मिलेगा। अभी जो आपने लास्ट देखा है, पहले तो अब उसको ठीक करना हो क्योंकि आज सेम डे पे दो बार ही हो गया है, तो अब हम लोग रिस्क ऐसा नहीं लेंगे ड्रोन उड़ाने का। पहुंचते हैं चितकुल तो एक बार के लिए देखते हैं कि कैसे उसको ठीक करने का क्या ऑप्शन है। और ये प्यारे प्यारे रोड्स भाई देखो, वाटरफॉल ब्यूटीफुल मैन, कितनी ऊपर से गिर रहा है भाई ये। अभी तो रास्ते में ऐसे कितने मिलने वाले हमें वाटरफॉल, क्योंकि थोड़ा सा मानसून सीजन भी है। और ये राइट का व्यू देखो, घास खा रहा बंदा है। तो ऐसा है ना, गाड़ियाँ पसंद तो है, मतलब बाइक के बाद ही गाड़ियाँ पसंद आती है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है ना जो एकदम दिल के करीब होती है, जैसे वो जा रही है Isuzu। और Isuzu इतनी बढ़िया गाड़ी है, 4x4 कुछ कह नहीं सकते। वैसे मैंने सुना है कि अभी इंडियन मार्केट में एक और कार आई है जिसका नाम है स्कॉर्पियो N। मैं बता रहा हूँ अमेजिंग रिव्यू, अमेजिंग। उस गाड़ी को फॉर्च्यूनर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ऑल्दो जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो है उसका लुक का कोई जवाब नहीं है, बट जो नई वाली स्कॉर्पियो ना ठीक है, मुझे अच्छी लगी। पहाड़ों में हम पेट्रोल बचाओ अभियान कर रहे हैं। ये देखो गाड़ी है बंद, ओ ये गाड़ी भी है बंद, और दोनों गाड़ी का हम लोग लुड़का रहे हैं, तो काफी ज्यादा इससे अभी हम अपनी फ्यूल बचा लेंगे। ये थोड़ा ज्यादा धीरे हो गया, चालू मारना पड़ेगा क्या? नहीं जा ही रहा है तो जाने देते जब तक जा रहा है। हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल है हम लोग का, आवाज कुछ नहीं, एकदम सॉर्टेड। आप लोग भी लो ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल। नहीं मजाक कर रहा है, अगर कोई वीडियो देख रहा है और सीरियस इस बात को ले लेगा तो उसे सीरियस नहीं लेना। और जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, दिल थाम के बैठिए। ये देखिए लेफ्ट पे मेरे सतलज रिवर, इसका पहला व्यू क्या खूबसूरत है। कितनी उफान पे है ये नदी, पानी का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश है। मैंने जैसे सुना है पानी गंदी नहीं होती है, यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि पानी की डेंसिटी की वजह से उनके कलर ऊपर नीचे होते हैं। ये लो पहाड़ों की दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ हो चुका है लैंडस्लाइड। एक्चुअली ये करवाया गया लैंडस्लाइड क्योंकि यहाँ पे भी रोड का काम चल रहा है। भाई कितने खतरनाक है यार, देख रहे हो गाइस? ओ भाई बहुत तेजी में भागे हम क्योंकि खुल चुका था ये जो भी लैंडस्लाइड हुआ था, ये जो भी काम चल रहा था। और इतनी तेजी में भागे ना कि ग्लव्स भी नहीं पहने, जैकेट के चेन भी नहीं बंद करे और कुछ नहीं, मतलब बस एकदम निकल पड़े। सो ये रामपुर शहर एंड वी आर क्रॉसिंग रामपुर, दिस इज द होल रामपुर सिटी। दिस लुक्स अमेजिंग मैन, मतलब इतने ऊंचे पहाड़ के नीचे ये पूरा सिटी बसा हुआ। और जो रोड है ये मक्खन, मतलब ये आप अभी देख रहे हो ऐसे पूरे 30-40 किलोमीटर के रोड थे, क्या भगाए हमने। नज़ारे मुझे दिख रहे थे लेकिन 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 वो जो रोड थे ना वो खींचे इस बार। तो देवी और सजनों स्वागत है आपका रामपुर नामक शहर में। जी हाँ, अभी अभी आपको बीच ने बताया था कि हम पहुंच गए रामपुर। जी हाँ, और रामपुर पहुंचने के तुरंत बाद हमें लग गई थी भूख, भूख के थोड़े थक गए थे और 40-50 किलोमीटर लगातार स्ट्रेच किए, तो हमने सोचा कि थोड़ा स्नैक्स टाइप्स ले लेते, इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा अपने लिए। घर में बैठ रहे हैं, और हमारा जो प्लान था वो चितकुल जाने का पहले था, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले प्लान था रामपुर का, वो हम लोग पहुंच चुके। तो आइडियली वी आर अहेड ऑफ आवर मेन प्लान। बाकी सब सही है, इंस्टाग्राम पे फॉलो वॉलो कर दे यार, थोड़ा माहौल बनाओ इंस्टाग्राम पे और शेयर वेयर करो थोड़ा, समझे? वीडियो में एकदम कम से कम 50,000 व्यूज आने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ है ऑप्शन, लाइक मोमो, चाय, मैगी, टिकिया चाट, फुचका, समझ रहे हो?
लाइट्स ऑन। अभी सीन है कि अभी हमने मस्त चाय वाय पिया, थोड़ा रिफ्रेशमेंट, मोमो वगैरह खाए। अब हम जा रहे हैं सराहन रामपुर थोड़े फ्लैट्स पे, तो थोड़ी गर्मी है यहाँ पे। इतने दूर आए, ये गर्मी बर्दाश्त करने तो नहीं आए इतने दूर से। मिलते हैं आपसे सीधा सराहन में, क्योंकि वादियां दिखाने को तो अब है नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया। और यहाँ से सिर्फ 33 किलोमीटर से 45 मिनट्स का रास्ता, तो नाइट ड्राइव तो अवॉइड करते हैं हम लोग पहाड़ों पे, कभी कभी हो जाता है। अभी इवनिंग है वैसे यहाँ पे। हाँ भैया, कैमरा चालू कर लिए हैं क्योंकि जो रात का हमको लगता है कि 30 किलोमीटर है, ये होने वाला है गजब। तब से तो रोड अच्छे थे भाई, ये अचानक से क्या हो गया? ओ भाई, रात को वाटर क्रॉसिंग। तो भाई जॉर्ड है। चलो 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 चलो, इजी 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 बस। इस साला, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है भैया। हमें तो लगा था कि हम कमरे पे मिलेंगे, लेकिन ये रात को कैसा एडवेंचर आ गया भाई। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम रामपुर से आगे बढ़ेंगे, और जी हाँ, रामपुर से हम आगे बढ़ गए। और सहारन नाम का एक छोटा सा विलेज है, छोटा तो नहीं है बट विलेज है जरूर। तो सहारन नामक ये शहर में हम रुके हैं, और यहाँ से 100 किलोमीटर है अपना चितकुल। दैट इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस साइड। बाकी अब देखते हैं कि कल का क्या सीन रहता है। कल सबसे पहले बहुत ही खतरनाक जगह आने वाला, जो कि हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन, मेरा स्पेसिफिकली पिछले 2 साल से उस प्लेस को देखते हैं और मन ललचता है, और ऐसा मन में होता था कि कभी जाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है अब जाएंगे। चलो कब जाएंगे से अब जाएंगे तक का माहौल। और पता है आपको, मेरे को ऐसा लग रहा था वो कल नहीं परसों आने वाला, बट अचानक से बीच ने चेक किया और उसने बताया कि भाई 10 किलोमीटर दूर है वो प्लेस। हम लोग क्या बात कर रहे हो कि स्टार्टिंग वहीं से होगी जी आप भैया। तो कल से नहीं करेंगे, करें वीडियो की स्टार्टिंग, वीडियो की स्टार्ट करेंगे वहीं से, ड्रीम डेस्टिनेशन से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने सारे दोस्तों के साथ। YouTube अपना एल्गोरिथम से हमें बूस्ट करे ना करे, आप करवा सकते हो शेयर करके, समझ गए? तो फटाफट एकदम बूम बूम गर्दा उड़ा दीजिए। मिलते हैं।